धर्मशास्त्र इसी पर खड़ा है कि दलितों के अंदर भी जो एक जमात ऐसी है जो विद इन दलित भी कास्ट प्रैक्टिस करती है, इसलिए क्योंकि वो भी ये नहीं चाहती कि हमारा जो सफाई पेशे से जुड़ा हुआ स्त्री या पुरुष है वो एक एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इक्वालिटी की बात भारत के संविधान में दी गई, वो इक्वालिटी अधूरी है जब तक आप इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को एक कम से कम एक अच्छा दृष्टिकोण आपको याद होगा कि जब दिल्ली में सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक मैनुअल स्कैवेंजर ने की, उस एक दिन की स्ट्राइक में ही दिल्ली में बदबू आने शुरू हो गई थी और उनकी सिर्फ मांग इतनी थी कि हमें जो आपके 2013 एक्ट में जो प्रोविजन किए गए मास्क चाहिए हमें मतलब जो मेन हॉल में निकलने से पहले वो सारा का सारा एक वाटर प्रूफ जो एक होना चाहिए वो होना चाहिए, बहुत सारी उसमें सारी चीजें हैं, आप लोग जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी उपलब्ध है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कोई भी डाटा हमारे सामने नहीं आता। मैंने जो सुबह से जो यहाँ पेपर सुने उसमें भी नो डाउट बहुत अच्छा टॉपिक रहे, बहुत अच्छी डिबेट रही, इसके बावजूद भी कोई आंकड़ा हमारे पास ऐसा नहीं आता। अभी भी रिसर्च में कोई आंकड़ा आप लोगों ने अभी भी उपलब्ध नहीं करवाया कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेन हॉल में मारे गए, उनको जो दिया जाना चाहिए एक मिनिमम जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो दिया जाना चाहिए, वो दिया गया। इवन दिल्ली के रामनोर लोहिया हॉस्पिटल में, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ही ये भी काम नहीं कर रहा, हॉस्पिटल के अंदर ही दो कर्मचारी मेन हॉल में मारे जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जहां पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, उसी हॉस्पिटल के ठीक मेन गेट के सामने दो लोग मर जाते हैं उस मेन हॉल में काम करते हुए। विडंबना है देश की, इसके बावजूद भी हमारी आंख सिर्फ आंकड़ों पर टिकी हुई है, टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। अब टेक्नोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ जो उसके साथ मैन पावर लगेगी उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, उसके ऊपर सरकार किसी भी तरह का कोई हैरानी है हमें ये जानकर कि सुप्रीम कोर्ट जो सबको न्याय देती है, न्याय देने का एक मंदिर कहा जाता है जिसको भारत में कि न्यायाधीश न्याय देते हैं, वो न्याय देने के बजाय फैसले देते हैं, और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी सफाई कर्मचारी मैनुअल मेन हॉल में उतरते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे आंकड़ों के बावजूद भी विडंबना है। आपको पता होगा एक तरफ हम दोहरे चरित्र को लेकर जीते हैं, एक तरफ हमारा चरित्र है कि हम सामाजिक न्याय के सवाल पर खड़ा होते हैं, डटकर खड़ा होते हैं, लेकिन जब आंदोलनों में उतरती है तो ये विषय नदारा होते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकायदा ये बनाया जब पोस्ट निकालेगी कि इसमें ठीक वही फैमिली काम करेगी जो इसके लिए बनी हुई है, तो ये सरकार का माइंडसेट है, न सिर्फ पब्लिक का बल्कि सरकारी नुमाइंदे जो हमारे वहां तक पहुंचते हैं उनका भी माइंडसेट यहीं पर खड़ा होता है कि ये